नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं संसद में चल रहे बजट सत्र की, जिस पर बोलते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि इस बार हम उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए संसद में आए हैं और इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, जो पार्टियाँ हैं, सब एक मत है और एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में एक चक्रव्यूह की रचना की है और आम आदमी फंसा हुआ है। देश का विकास कैसे हो सकता है, उन्होंने कई उदाहरण दिए, लेकिन जब जब बोले स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका, नियम की दुहाई दी, लेकिन वो बोलते गए। उन्होंने अग्निवीर को एक असफल कार्यक्रम बताया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो हमारे युवक हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जहां जाता हूं वहां बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। इस पर सरकार की तरफ से इस बजट में भी जो आया है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इसका कहीं भी जो कंपनियों की बात की जा रही है उसका कोई असर देखने को धरातल पर नहीं मिलेगा। उन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कई क्षेत्रों में, किसानों के क्षेत्र में भी उनकी जो MSP थी उस पर भी खरी नहीं उतरी है, हमारी सरकार आई तो हम जो उनका जो लीगल MSP है जरूर देंगे। उन्होंने जातीय जनगणना की बात की, उनका कहना था कि जातीय जनगणना हम करा के रहेंगे चाहे हमें कितना भी इसके लिए जोर लगाना पड़े। ले देकर बात यह थी कि राहुल गांधी अपने मुद्दे गिनकर आए थे और उन्होंने अपनी बात मजबूती से करी, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो महाभारत का जो उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा हैं और जो चक्रव्यूह है जिस तरह से अभिमन्यु के लिए रचा गया था, आज आम जनता के लिए जो रचा गया है उसको हम तोड़ेंगे। उन्होंने मीडिया की बात कही। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।